बरेली में छात्रों को डी फार्मा की फर्जी डिग्री देने वाले खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन और भाजपा नेता शेर अली जाफरी और उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि समाजवादी पार्टी का एक नेता डॉक्टर विजय शर्मा फरार है। ये सभी गैंग बनाकर छात्रों से ठगी किया करते थे। इन लोगों ने डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर छात्रों से करोड़ों रूपये की ठगी की है। पुलिस ने जालसाज शेर अली जाफरी और उसका बेटा फिरोज अली जाफरी को गिरफ्तार किया है, जिसने डी फार्मा के फर्जी सर्टिफिकेट देकर 389 छात्रों से करीब 4 करोड़ रूपये ठग लिए। एसपी साउथ मानुष पारिक ने बताया कि काफी समय से खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली से शिकायतें आई कि उनको डी फार्मा की डिग्री दी गई और अंक पत्र दिए गए हैं। जब वो छात्र उन अंक पत्रों को लेकर विभिन्न जगहों पर नौकरी के लिए जाते थे, तब उनको पता चलता था कि यह जो अंक पत्र है, मार्कशीट है, फर्जी है। मेडिकल इंस्टीट्यूट के संचालक के विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। छात्रों द्वारा उसी का संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर ने एक स्पेशल टीम एसआईटी का गठन किया और इंस्टीट्यूट के संचालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जैसा कि आपको विदित है कि काफी समय से जनपद बरेली में एक कॉलेज है, खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कई छात्र उनकी शिकायतें आई कि उनको जो डी फार्मा की डिग्रीज दी गई थी और अंक पत्र दिए गए थे, वो जब वो लेके विभिन्न जगह नौकरी के लिए जाते थे या फिर फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए जाते थे, तब उनको विदित होता था कि ये जो अंक पत्र है, मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है, वो फर्जी है। इसी के अंतर्गत इस प्रकरण में जो संचालक हैं खुसरो मेडिकल इंस्टीट्यूट के, उनके विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे अभी तक किए जा चुके हैं छात्रों द्वारा, और उन्हीं का संज्ञान लेते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और आज दिनांक 11 सितंबर को जो संचालक है इस इंस्टीट्यूट का, उसे इस टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और उस संचालक का नाम है शेर अली जाफरी और उसके साथ में उसका सहयोगी फिरोज अली जाफरी, जो कि उसका बेटा भी है, उसे भी इसी मामले में गिरफ्तार करके भेजा गया है। ये जो इंस्टीट्यूट था, ये बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा था एक तरीके से। लगभग 379 बच्चों के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी करी है, उनसे लाखों रुपए उन्होंने गबन किए, धोखाधड़ी से लिए और उसके बदले में फर्जी डिग्रियां उन्होंने दी।